गाइस, लर्नएक्स में आपका स्वागत है। आज का लेसन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपने तो थंबनेल में देखा ही होगा आज का लेसन क्या है, इसीलिए तो आपने क्लिक किया ये सोचकर कि क्या सीरियसली पॉसिबल है ये। क्या मीरा मैम कोई ऐसी ट्रिक बताने वाली है जिसकी मदद से हम सिर्फ 5 दिन में इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाएंगे? तो गाइस, यस, ऐसी ट्रिक है मेरे पास जिससे आपकी फ्लुएंसी किसी ना किसी हद तक बेटर ज़रूर हो जाएगी सिर्फ 5 दिनों में, लेकिन आपको ये हर हफ्ते कंटिन्यू करना पड़ेगा कुछ महीने के लिए, 1-2। ओके, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल सवाल पूछने वाली हूँ। तो मेरा पहला सवाल क्या है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया। मेरा दूसरा सवाल है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, यानी आप आज क्या करने वाले हैं। और मेरा आखिरी सवाल है, होम डिड यू कॉल यस्टरडे, आपने कल किस किस को कॉल किया या किन किन लोगों को कॉल किया। चलिए अपने अपने सवाल सोच लीजिए जल्दी से। अब ये भी बता दीजिए कि आपके दिमाग में जो जवाब आए वो कौन सी लैंग्वेज में आए, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ये जवाब हिंदी में या फिर अपनी अपनी मदर टंग में सोचे होंगे, कि कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में सोचना भूल गए, है कि नहीं। यानी सवाल इंग्लिश में और जवाब हिंदी में, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? मेरे स्टूडेंट्स भी अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि मैम ऐसे क्यों होता है। तो गाइस, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम बचपन से ही अपने मदर टंग में सोचने की हमें आदत पड़ गई है। पर दोस्तों, आप इस चैनल पर क्यों आते हो? आप इसीलिए आते हो क्योंकि आपको इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में बेटर और बेहतर होना है। इसीलिए मैंने ये कुछ सवाल पूछे, ये समझने के लिए कि आप सोचते कौन से लैंग्वेज में हो। अब आज का हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि हम हमारी ब्रेन को इसी तरह से इंग्लिश में सोचने के लिए ट्रेन करेंगे। और दोस्तों, जब आप ये ट्रेनिंग दोगे अपने ब्रेन को इंग्लिश में सोचने के लिए, तब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बेटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी स्टेप्स की ओर। ज़्यादा घबराइए मत कि यार हम हमारे ब्रेन को इंग्लिश में सोचने के लिए कैसे ट्रेन करेंगे, इंग्लिश में सोचने पर मजबूर कैसे करेंगे, मैं हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जल्दी से एक पेन और एक नोटबुक लेके आइए और पॉइंट वाइज वो सारी चीज़ें हम उनमें लिखने वाले हैं कि जो हमने कल दिन भर की। ऐसा कीजिए, हर घंटे के हिसाब से आप पॉइंट्स बनाइए। मान लीजिए आप 15-16 घंटे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, तो सुबह से उठने के बाद हर घंटे आपने उस घंटे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या की वो लिख दीजिए उस पॉइंट में। तो इस हिसाब से हमारे पास 15-16 सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो ये था आपका स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 वो ये है कि आप अपने नोटबुक को लेकर मिरर के सामने चली जाइए और हर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने, कि सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, फिर मैंने जिम किया। तो इस दौरान आपको क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस में कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। जैसे मैंने क्या टेंस करेक्ट लिखा, क्या एक्टिविटी का नाम करेक्ट लिखा। प्रैक्टिस के साथ साथ आप बारीक चीज़ें भी नोट करोगे, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप 2। थर्ड स्टेप काफ़ी सिंपल है, ये सारे सेंटेंसेस आप किसी के साथ जाके शेयर करो, और कोई इस ऐसे इंसान के साथ जिसको इंग्लिश अच्छे से आती हो और कोई जो आपकी गलतियां परख सके और आपको बता पाए। बस फ़ोन उठाइए या एक फ़ोन मिलाइए या किसी के साथ मिलिए जाकर, और कैजुअली आपके 15-16 सेंटेंसेस एक नॉर्मल बातचीत की तरह उन्हें बताइए, जैसे यस्टरडे आई डिड दिस, यस्टरडे आई डिड दैट। तो ये था आपका स्टेप 3। अभी तक आपने सेंटेंसेस लिख लिए हैं, फिर आपने इनकी प्रैक्टिस भी की मिरर के सामने, राइट? और इसके बाद आपने किसी के साथ जाके ये सारे सेंटेंसेस शेयर किए जो आपको करेक्ट करे, और अगर सही हो तो आपके साथ और प्रैक्टिस करें। दोस्तों, क्या आप ये सोच रहे हो अभी, अरे किससे बात करूं मैं, ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मैं ऐसी प्रैक्टिस कर पाऊँ, ठीक है, जिसके साथ मैं ऐसी बातें कर पाऊँ। तो डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आप कैम्बली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, कैम्बली ऐप क्या है,
एक्चुअली मिशेल मैम ने भी इसका इसके बारे में एक वीडियो किया था. चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, रिमाइंड करती हूँ कि ये कैम्बली ऐप क्या है. इस ऐप पर आपको सर्टिफाइड नेटिव ट्रेनर्स मिलेंगे जो कि US, UK ऐसी जगहों से बिलोंग करते हैं. ये आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस में, सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे. ठीक है, ये आपको करेक्ट भी करने वाले हैं और आपसे प्रैक्टिस खुद करवाएंगे. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये 2400 घंटे अवेलेबल होते हैं. तो अगर आपको लगे कि सुबह कॉल करना चाहिए तो आप सुबह प्रैक्टिस कीजिए. आपको अगर दोपहर में थोड़ा सा फ्री टाइम है तो आप दोपहर में भी कॉल कर सकते हैं. अब जब मैंने आपको इतना बता ही दिया है तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मेरी कॉन्वर्जेशन कैसी रही कैम्बली ऐप पर. देखते हैं मैंने क्या क्या सवाल किए और मेरी कैसी बातचीत हुई. तो चलते हैं हमारे कैम्बली ऐप पर. जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ऑलरेडी ये ऐप डाउनलोड कर लिया है. मेरे पास 90 मिनट्स बचे हैं. यहाँ पे बहुत सारा मेन्यू है जिसमें मैं ट्यूटर्स पे जाने वाली हूँ. जो आप ग्रीन देख रहे हैं तो ये सारे ट्यूटर्स अभी अवेलेबल हैं, अभी लाइव हैं. तो देखते हैं हम कौन से ट्यूटर को कॉल करेंगे. आप अगर इसको खोलें तो आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा कि इनके कहाँ कहाँ से, ये USA एक्सेंट के हैं और इनके अलग डिटेल्स. तो कॉल करते हैं इन्हें. Hi. Hi. How are you? I'm good. Thanks for asking. Okay, great. My name is Brennan. What is your name? My name is Mira. Nice to meet you, Brennan. Nice to see you. Nice to meet you. And where are you calling from? I'm calling from India, and I'm basically a trainer myself, and okay. I train students in English and for English. Mm-hmm. So today I wanted to talk to you about something so that I can show it to my students. Sure. And I wanted to talk to you about my general daily routine. Okay. And probably you can tell me a little bit as well, mm-hmm. so that my students get to know how it works on Cambly app and how they can come on Cambly and practice. Okay. Sounds good. All right. Okay. All right. So usually my day starts at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. and I head out for a run. Mm-hmm. I have a nice healthy breakfast, maybe some cereals. And I start my work around 10 a.m. or 10:30 a.m. Mm-hmm. After lunch, around in the evening, I meet my friends for a cup of coffee or I hit the gym. Okay. And I go to sleep by 11:30. Okay. How about you? Well, I usually start my mornings around 7:30, and then I start tutoring around 8 o'clock. Alright. After a couple of hours of tutoring, I take a jog for about 30 to 40 minutes around my block. After that, I usually grab something to eat, like a banana or some hot cereal, something like that. And then I go back on to tutor again. After I've finished a couple of hours, I practice. I sing. I usually sing classical music for about an hour. I warm up 15 minutes before starting. And after that, I spend time with my nephew. He's 2 years old, so he usually likes to go to the park, so I take him out to the park. Afterwards, I usually prep my dinner and start preparing it for my family when they get home. Afterwards, I tutor some more until the later evening, and I eat and finish the day up by reading a book and going to bed around 11, 12 o'clock. All right, that sounds good. Mm-hmm. All right, I really appreciate this, Brennan. And for today, that would be it for me. Okay. But I will definitely come back, and I'm hoping that my students too get to come on Cambly and practice their conversation skills. Awesome. But thank you so much for your help and for your daily routine. You're insights. Welcome. You're welcome. All right, thank you so much, Brennan. You have a good day ahead. You too. Thank you. Thank you. Bye bye. ओके गाइस, जैसे कि आपने अभी अभी देखा कि कैसे मैंने उनसे कॉन्वर्जेशन किया और अपने दिन भर के एक्टिविटीज़ भी बताए, उनके बारे में बताया. मैंने भी आपकी तरह कुछ सेंटेंसेस पहले ही एक नोटपैड पर लिख लिए थे पूछने से पहले. फिर उन्होंने भी मुझसे कुछ अपने बारे में शेयर किया, अपने दिन के बारे में बताया.
तो ये था हमारा ओवरऑल कॉन्वर्जेशन. अच्छी रही ना ओवरऑल प्रैक्टिस और कॉन्वर्जेशन, राइट? आपको अच्छा लगा होगा. आपको भी 5 दिन ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है. तो गाइज, ये ऐप फ्री तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छी डील लेकर आई हूँ. ये ऐप आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में मिलने वाला है 5 डेज के लिए, और हर दिन आप इनके साथ 30 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो. और अगर आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली आप कंटिन्यू कीजिए ऐप पर और प्रैक्टिस कीजिए बेहतर होने के लिए. तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे शानदार ट्यूटर्स के साथ इंग्लिश में फ्लुएंसी बेटर करने के लिए, एंड आई एम श्योर ये ज़रूर होगा. अब दोस्तों चलिए, मैंने आपके लिए एक लिंक छोड़ी है सेंटेंसेस की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. आप इस लिंक पर जाइए, एक आपको PDF फाइल मिलेगी, आप डाउनलोड कीजिए और इस सेंटेंसेस को देखिए. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं, जिससे आपको स्टार्ट करने में आसानी होगी. मैंने आपको येस्टरडे यानी कल के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और टुमोरो के बारे में कुछ बताया है. इन सब के बारे में कुछ ना कुछ सेंटेंसेस होंगे जो आप खुद बनाओगे. फिर आप क्या करोगे, आप मिरर के सामने जाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, और लास्ट स्टेप में आप कैमली ऐप पर जाके इनकी प्रैक्टिस करोगे. तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, इन सेंटेंसेस को पढ़िए और अपनी फ्लुएंसी की प्रैक्टिस शुरू कीजिए. कैमली ऐप पर जाइए, अपना एक्सपीरियंस कीजिए. मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे था कमेंट सेक्शन में. मैं वेट करूंगी देखने के लिए कि किन किन लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे और कैसी प्रैक्टिस की. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी एक नए लेसन के साथ. तब तक प्रैक्टिस कीजिए, स्माइल कीजिए. दिस इज मी मीरा साइनिंग ऑफ गाइज. बाय.